तो आज मिनिस्टर गाली दिए तो उनको कुछ भी नहीं लगता, अगर हम अन्याय के विरुद्ध प्रतिभटन करे तो प्रोटेस्ट करे तो पुलिस लोग मुझे आज अरेस्ट करते। तो तुम्हारे सबके सामने है हमारा कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट का आज क्या हालत हो रहा है। पब्लिक रोरी, आंसू भारे, खून बहरे, गरीबों के बच्चे मर रहे, गरीब लोगों के प्लाटों के ऊपर इनके चमचे छेले संगठन वाले जाके कब्जा कर रहे, लूटी कर रहे, उनका केस नहीं ले रहा आज पुलिस। This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines. 24/7 hours medical is open and free home delivery also available. Medicines at your doorstep. Opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi. मारने का वजह तो सबको मालूम ही होगा, फिर भी बोल देता हूँ, हम लोग पुलिस के अगेंस्ट और मिनिस्टर के अगेंस्ट आज स्ट्राइक करने वाले थे, तो अभी उसके अंदर स्ट्राइक सक्सेस नहीं होना बोलकर पुलिस के अधिकारी लोग मेरे पे कल एक झूठा केस डाल के आज सवेरे मेरे घर पे आके मेरे को अरेस्ट करे थे। अरेस्ट करके मार्बल स्टेशन लेके गए, वही मार्बल स्टेशन में वहाँ के जो पुलिस सिबंदी है, पीएसआई है और ये पुलिस अधिकारी लोग जो है गए, सो मैंने एक वहाँ पर कलबुर्गी ग्राम में एक सुसाइड केस के अंदर आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जा सके तो उसके अगेंस्ट में हम लोग आज स्ट्राइक कर रहे थे। स्ट्राइक हम करे तो इसके अंदर पुलिस वाले सस्पेंड होते बोलकर और एसपी मैडम भी ट्रांसफर हो सकती बोलकर मेरे पे झूठा केस डाल के आज अरेस्ट करे थे, तो भी हमारे चितापुर के जनता और हमारे भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ते सब लोग धैर्यशाली लोग और हिम्मत वाले लोग मुझे जेल भेजे तो भी परवाह नहीं, वो एक सुसाइड हुए सो फैमिली को न्याय मिलना चाहिए बोलकर होराटा करे, चितापुर में अच्छा होराटा करके यशस्वी करे, उसके बाद मार्बल स्टेशन को आकर भी ये जो कर रहे आप गलत है बोलकर रास्ता रोक करके वहाँ भी मेरे को मेरे कार्यकर्ता मेरे चितापुर के जनता आके मुझे आज छुड़ा के लाए। और पुलिस वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस वाले का आज लॉ एंड ऑर्डर पूरा बहुत खराब हो चुका है, सबके लिए क्या है पुलिस लोगों को रक्षण करता, लोगों को सिक्योर रखता और लोगों का रक्षक है बोलकर पुलिसों से प्यार करने की जगह पुलिसों के साथ में मोहब्बत होने की जगह आज जो है ना पुलिसों से जनता को डर लग रहा है। आज जो है ना पुलिस स्टेशन बोल तो लोगों को डर बैठा हुआ है, डर, कोई भी आदमी पुलिस वाला आए बोल तो जान जा सकता, खामोखा एनकाउंटर हो सकता, खामोखा टॉर्चर के सहने से पुलिस का टॉर्चर कहीं को लेंगे बोलकर सुसाइड भी हो सकता। ऐसा आज हमारा ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का पूरा वातावरण खराब कर चुके हैं यहाँ के पुलिस अधिकारी लोग, तो आज मिनिस्टर गाली दिए तो उनको कुछ भी नहीं लगता, अगर हम अन्याय के विरुद्ध प्रतिभटन करें तो प्रोटेस्ट करें तो पुलिस लोग मुझे आज अरेस्ट करते। तो तुम्हारे सबके सामने है
हमारा कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट का आज क्या हालत हो रहा है, पब्लिक रोरी, आंसू भारे, खून बह रहे, गरीबों के बच्चे मर रहे हैं, गरीब लोगों के प्लाटों के ऊपर इनके चमचे छेले संगठन वाले जाके कब्जा कर रहे हैं, लूटी कर रहे हैं, उनका केस नहीं ले रहा आज पुलिस। आज वही पुलिस जाके वो गुंडों के साथ मिलके, जो प्रियंका खड़गे बोल रहा, गुंडों के पैसे खा रहे बोलकर, गुंडों के साथ बैठ रहे उठ रहे बोलकर, आज उनके जो प्रियंका खड़गे के फॉलोअर्स है, तुम्हारे को सबको मालूम है। आज एक मैं दो तीन दिन पहले एक न्यूज में देखा था, एक कोई तो डॉक्टर है कहते, उन्होंने बेंगलुरु में रहता कहते, उसका बाबा को आराम में रहते, परसों एक प्रेस मीट देखा मैं कहीं, तो उसके प्लाट को खामोखा जाके ये लोग जबरदस्ती से हड़प करके, पुलिस का कमिश्नर रहता वहां पर प्लाट का डीलिंग करने, प्लाट में कुछ कंस्ट्रक्शन रहे तो तोड़ने, पुलिस का कमिश्नर सिविल का सिविल मैटर है, कोर्ट का आर्डर आने के बाद जाना। तो आज उन्होंने बोल रहे थे कि फेक पुलिस गया, फेक कपड़े डाल के गया कोई, तो फेक में पुलिस में बोलकर कुछ गया बोलकर, वीडियो में मैं देख रहा था। तो ईएसआई हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल है, तो उसके ऊपर इनका नाम खड़गे बोलकर धराते, लेकिन वही खड़गे के नाम पे नया फैक्ट्री मिलता, नया कुछ बड़ा इंडस्ट्री हब आता, नया लोगों को रोजगारी मिलती। ऐसा ही लोग हमारे इलाके को दबा के रखे बहुत सालों से, इनके विरुद्ध आज एवं मेरे गुलबर्गा के पब्लिक खड़े हो रहे, सब देख रहे हैं कि ये लोग कितना अन्याय कर रहे हैं। इस वजह से मेरे पूरा कलबुर्गी की एवं पब्लिक को मैं कहना चाहता हूं, आगे आने वाले चुनाव में ये लोग पैसे का ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन चंद पैसों के लिए अपना ये इलाके को, ये अपना कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट को इनके हाथ हवाले करेंगे, तो ऐसे जी लोग गुंडों को बेच बेच के अपने पब्लिक को गांव छुड़ाने वाला काम ये मिनिस्टर करेंगे बोलकर मेरे को यकीन है। इसलिए मैं आगे आने वाले दिनों में इसके ऐसे लोगों को अपन सब मिलकर इलेक्शनों में, चुनाव में घर को बेचने का काम अपन सब मिलकर करेंगे बोलकर तुम सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और इनका कुछ भी रहा, कहीं भी जस्टिस नहीं मिल रहा, कहीं भी अन्याय हो रहा, तो हमको याद कीजिए, हम भी आपके साथ में रखेंगे, इनके खिलाफ आवाज उठा के जहां पर अन्याय हो रहा वहां पर पब्लिक को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines. 24/7 hours medical is open and free home delivery also available. Medicines at your doorstep. Opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi.